सो वेलकम टू टीस्टा एंड यस इट्स अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। सो इधर बाइक का वेट कर रहे हैं हम लोग। सो आप देख सकते हैं कि टीस्टा में ज़्यादा लोग भी नहीं है आज बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन एंड दिस इज द माइटी रिवर टीस्टा। टीस्टा काफ़ी गर्म है इन कम्पेयर टू दार्जिलिंग। सो विथ मी पोनोवेस्दा एंड हमारा प्रिय मित्र पीटी। And this is the gigantic river Teesta. So basically अभी थोड़ी देर बाइक के लिए वेट करेंगे एंड as soon as bike आएगा we will head towards Darjeeling and this is how we came to this mighty river Teesta. So let's begin. एनीवेज ये डालना एकदम ज़रूरी है आज के दिन एंड मास्क भी पहन लिया लाइक ऑलवेज एंड आई बी टेकिंग सेनांग दास हेलमेट टुडे। सो यहाँ डाली पेट्रोल पंप से स्टार्ट हो रहा है आज का व्लॉग एंड यहाँ हमारे प्रथम भी आ चुके हैं है ना पीटी। तो बेसिकली मैंने सेनांग दा का हेलमेट इसीलिए लिया क्योंकि मेरे हेलमेट पे बहुत विंड ब्लास्ट आएगा। सो फॉर दैट रीज़न सेनांग दा का हेलमेट ले लिया मैंने एंड बेसिकली वी आर हेडिंग टुवर्ड टीस्टा। ओके सो आज बेसिकली बहुत दिनों के बाद आई एम जस्ट डूइंग अ मोटो व्लॉग एंड बेसिकली बाइक लेने ही जा रहा हूँ। वी हैव अ वैलिड रीज़न ऐसे ही नहीं निकल रहे एंड दिन काफ़ी अच्छा है तो राइड करने का एकदम मूड बन गया मेरा। तो सो घूम से वी विल बी टेकिंग टूवर्ड जस्ट लेफ्ट टर्न एंड राइट को बेसिकली सुखिया पोखरी जाता है तो नेशनल हाईवे नंबर 55 यही है जोर बंगलो एंड अगर इधर से गए तो वी विल रीच सिलीगुड़ी एंड आई विल बी टेकिंग दिस रोड सिक्किम कालिम्पोंग टीस्टा एंड जोर बंगलो में अभी बंद है फिलहाल तो फाइनली अब जाके इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो तीन माइल भी क्रॉस कर लिया एंड ये रास्ता जाता है अब पहुँचेंगे हम लोग शेमल एंड शेमल से डायरेक्टली लामाहट्टा लामाहट्टा टू पेशोक पेशोक टू टीस्टा एंड पता नहीं कि मैं आज क्या बात करूँगा एंड ये जो गाड़ियाँ रखते हैं एकदम रॉन्ग साइड आ रहा है पता नहीं क्यों। आज बेसिकली इधर ज़्यादा कुछ गाड़ियाँ व्हीकल्स और इंसान तो नहीं दिखते क्योंकि everyone is following some lockdown precautions like अगर कोई necessary काम हो तो ही बाहर जाना and इसकी वजह से the people are following some precautions but I don't think ये precaution काम करेगा क्योंकि बाज़ार 7 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है दार्जिलिंग में एंड जितना भी भीड़ होता है उसी 3 आवर्स के बीच में ही होता है एंड वेलकम टू लामाहट्टा। तो लामाहट्टा के अंदर पहुँच चुका हूँ एंड दिस इज़ द कंपाउंड और सो कॉल्ड एरिया ऑफ लामाहट्टा। जाके लामाहट्टा का पार्क स्टार्ट होगा। ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा सा पेड़ 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 ही पेड़ है इधर लामाहट्टा पार्क में एंड इफ यू हैवंट वॉच मेरा इधर का ब्लॉग यू कैन जस्ट चेक आउट एक ब्लॉग भी डाला है सुपर बाइक कंपनी। दिस इज
पेसोक, लपचू पेसोक, लपचू थोड़ा नीचे एंड बेसिकली इधर से पेसोक का एरिया स्टार्ट होता है एंड काफ़ी गर्मी है यार इधर तो। दिस इज लपचू, लपचू पेसोक एंड इधर से काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, धूप खिल गया है एंड ताज़ा हवा फील हो रहा है। जिस कट भी पहनने वाला था लेकिन इस समय काफ़ी गर्मी होता है इसकी वजह से नहीं पहना। So just have a look at the gigantic view of the mountains and basically Kalimpong, Sikkim and me and this road and you all watching this video. काफ़ी गुड कॉम्बिनेशन है एंड अब मुझे गर्मी होना चालू हो चुका है इसकी वजह से जैकेट भी खोल लिया, थोड़ी देर के लिए हेलमेट भी खोला था इसकी वजह से ऊपर का नहीं किया। हवा आने दो, हवा आने दो। पेसोक यही असल नहीं था, रियल पेसोक 30-9 किलोमीटर ऊपर का भी पेसोक ही है लेकिन जो बाहर का पेसोक होता है वो है बाहर बाहर एरिया का एंड दिस इज द मिडल पेसोक एंड इधर से जो व्यू दिखाई देता है इट्स टू वंडरफुल। एक बार दिखा भी देता हूँ एंड पता नहीं कि जो मोटो ब्लॉग करते हैं वो लोग कैसे बात करते हैं यार मास्क में। आई जस्ट फील टू अनकम्फर्टेबल एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल लुकिंग एट मी बट आई नो आई मैं हेलमेट के अंदर भी तो ये सब भी दुकान हुआ करता था बट आई गेस अभी बंद है। लाइक मैं करने के लिए तो कोशिश कर रहा हूँ मोटो ब्लॉग बट जो ये विंड ब्लास्ट आ रहा है विंड ब्लास्ट एकदम गंदा वाला आ रहा है तो अब जाके दार्जिलिंग का प्योर ब्यूटी दिखेगा आप लोगों को। जस्ट हैव अ लुक एट दिस ट्रीज, ट्रीज पेड़ों को देखो भाई पेड़ों को, मुझे नहीं पेड़ों को देखो। You've seen me try, you've seen me pray, you've seen me fight the demons of faith, you give me air when I can't breathe, when I can't bear to fight। तो इधर सब दुकान हुआ करता था लेकिन आज कुछ भी नहीं है एंड दिस इज द जाइगेंटिक रिवर टीस्टा एंड बेसिकली वो रंगीत हो सकता है एंड वहाँ पर कैंपिंग भी करते हैं त्रिवेणी। सो सिक्किम का हाईवे इसका मुझे कुछ मालूम नहीं है एंड ये पड़ता है कालिम्पोंग नॉर्थ एंड पीटी। हाउ आर यू फीलिंग टुडे, कैसा लग रहा है तुमको इधर आके? मला कस्तो लागिरहेछ कस्तो पनि लाग्दैन आएको जग्गा त हो नि, कैसा भी नहीं लग रहा क्यों? उल्टा उल्टा भी ओके। सो इधर से निकल रहे हैं एंड बेसिकली मुझे भी मालूम नहीं कि मोटो ब्लॉग में मैंने क्या बोला बट आज का दिन ऐसा है एंड मार्क्स की वजह से कुछ भी अच्छे से बात भी नहीं कर सकता। ओके सो इधर से तो निकल चुके हैं एंड टीस्टा लवर्स मीट व्यू पॉइंट तो आपने देख ही लिया एंड ये रहा टीस्टा का जंगल, जंगल भी देख लीजिए एक बार। नेसेसरी ड्राइव स्लो ब्लो हॉर्न को पागल जैसा लग रहा है कि आई जस्ट सीन ट्राउजर्स दिस बिग जैकेट स्वेटर, ऊपर तो काफ़ी ठंड था एंड इधर एकदम से क्लाइमेट ही चेंज हो गया। तो भूटन ब्रिज इसको तो मैं ऐसे पार करूँगा। हम लोग एंटर कर चुके हैं टीस्टा बाज़ार, बाज़ार काफ़ी सुनसान है क्योंकि 10 बजे तक टाइम दिया था एंड अभी 12 बज चुके हैं। 10 बजे तक सब बाज़ार बंद होना चाहिए, बाज़ार में दुकान है एक्चुअली है बट जो ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है फॉर एग्जांपल कार टू व्हीलर्स इन लोगों। सो दिस इज़ द डे 4 ऑफ माई डेली ब्लॉग चैलेंज एंड इस हफ्ते का काफ़ी कम्प्लीट हो चुका है एंड दिस विल बी द लास्ट वीडियो फॉर दिस वीक एंड अगले हफ्ते से विल स्टार्ट अगेन विद 4 वीडियोज वंस इन अ वीक। तो पीटी कैसा लग रहा है आज? गर्मी कैसा लग रहा है? कोई नॉर्मल है, बड़ी दुख दे रहे हैं ज़्यादा बड़ी। तो आप देख सकते हैं कि इधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड इधर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है
आई होप। एंड यही सुनने में आया कि वो जो आप देख रहे हैं वो एक अंडरग्राउंड टनल है एंड दिस इज टीस्टा रिवर टीस्टा विच कनेक्ट्स एक कनेक्ट्स नहीं एक्चुअली इट्स डिवाइड दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग। सो कालिम्पोंग ये रहा दार्जिलिंग दिस साइड। सो बेसिकली अभी थोड़ी देर बाइक के लिए वेट करेंगे एंड एज सून एज बाइक आएगा वी विल हेड टूवर्ड्स दार्जिलिंग। तो सिक्किम भी ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ तक एंड नीचे आप देख सकते हैं कि कैसा है। एक बार गया तो खेल ख़त्म भी हो जाएगा मेरा। सो दिस इज द अपोजिट साइड हम लोग आए थे दिस वे। ओके सो अभी बाइक भी डिलीवर हो चुका है एंड कैसा लग रहा है आपको? कैसा बाइक देखिए पूरा एकदम बाइक का बुरी हालत हो चुका है एकदम महिला महिला हो चुका है लेकिन आज चार पांच दिन हिलने से थोड़ा खुश भी लग रहा है। खुश भी हूँ। कम फूट रहे तो कौन है ना। तो यही है बाइक डोमिनर 400 highly modified windshield and guards and many more। ये रास्ता कालिम्पोंग को जाता है और हम लोग बाइक लेने के लिए इधर ही सीधा आ गए। ऊपर का मैंने नहीं किया आते वक्त बैटरी कम हो गया था एंड मेमोरी फुल इसकी वजह से बैटरी भी चार्ज किया एंड मेमोरी भी एक्सचेंज किया। ये सिक्किम को जाता है एंड ये कालिम्पोंग को ये दार्जिलिंग। तो हम लोग सीधे घर जाएंगे इट मीन्स वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दार्जिलिंग। ओके सो फिलहाल अभी इधर रास्ता अंडर मेंटेनेंस है इसकी वजह से रोड काफ़ी ख़राब। तो यही है कंस्ट्रक्शन का जो मेन कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ इधर ही चल रहा है। जाओ जाओ तीन लोग आराम से जाओ। तो दिस इज क्या बोलते हैं जगह का नाम मालूम है इट्स जस्ट राइट बिसाइड पिस्ता का ब्रिज एंड इधर वी आर सर्चिंग फॉर पपैया। रही सो था बोल देना सैनिटाइजर छिड़कना शुरू हो चुका है। ओके सो ये कल आफ्टरनून का सीन है। एक्चुअली उस वक्त व्लॉग एंड नहीं कर पाया क्योंकि ज़ोरदार बारिश होना चालू हो गया था एंड अभी भी बारिश होने का संभावना चल रहा है। सो दिस इज इट फॉर द डे। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर यू गिव इट अ थम्स अप एंड इट्स योर बॉय अभिराज साइनिंग ऑफ फॉर द डे।